नमस्कार दोस्तों, नेपाल और बांग्लादेश के रिश्ते दिन दुगनी और रात चौगनी तेजी से बढ़ते जा रहे। अब इसी ओर बांग्लादेश नेपाल को एक बढ़िया सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी देखता है और इसको खुद का FBCCI प्रेसिडेंट महबूबुल आलम ने दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को लेकर क्राइसिस देखने को मिला रहा, और वो इसलिए देखने को मिला रहा क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारी बिजली फ्यूल से बनाई जाती थी यानी कि पेट्रोल डीजल से बनाई जाती थी, और जैसे ही इनके प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है और पावर डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इस बिजली का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये एनवायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक होती है क्योंकि इसमें तेल को जलाया जाता है। वहीं दूसरी ओर नेपाल एक ऐसा विकल्प है जो कि बिजली का उत्पादन करता है हाइड्रो पावर से यानी कि डैम्स बना के, जो कि बिल्कुल क्लीन और ग्रीन एनर्जी है, और ये एनर्जी बांग्लादेश के काम बहुत ज्यादा आ सकती है क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बिजली की डिमांड बढ़ रही है और बांग्लादेश एक स्मार्ट नेशन बनता चला जा रहा है क्योंकि वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूम कर रही है, इससे इकोनॉमी भी काफी ज्यादा बूम कर रही है जिससे बांग्लादेश को काफी ज्यादा बिजली की रिक्वायरमेंट है और इसीलिए नेपाल से बिजली इंपोर्ट करता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश नेपाल को एक अच्छा एलाई देखता है जिससे बिजली बहुत सारी मिल सकती है बांग्लादेश को और उसको वो यूज में ले सकता है, और वो भी क्लीन और ग्रीन एनर्जी को। आपको बता दें कि FBCCI प्रेसिडेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU भी साइन किया बांग्लादेश और नेपाल के बीच में 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से लेने के लिए। साथ साथ इससे नेपाल को भी काफी एडवांटेज मिलेगी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में बांग्लादेश में, दोनों ही देशों का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो ये दोनों ही देशों के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है जो कि दोनों ही देशों की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। आपकी इस पर क्या राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या नेपाल को बिजली बेचनी चाहिए बांग्लादेश को या नहीं, और क्या नेपाल के लिए बांग्लादेश एक अच्छा एलाई है या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।